हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ यूनिट तो आपको पेपर में प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए प्रोसेस अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए पूछा जाता है लेकिन प्रोसेस अकाउंट्स बनाने से पहले एक स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं जिसको हम वर्किंग नोट्स के बेसिस पे कैलकुलेशन सीखते हैं और ये जो वर्किंग नोट्स है इट्स अ पार्ट ऑफ आंसर इसीलिए

आफ्टर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स वी कैन हैव दी आंसर कि हमारे पास ऑलरेडी आंसर अवेलेबल होगा कि स्टेटमेंट नंबर वन में स्टेटमेंट नंबर टू में और स्टेटमेंट नंबर थ्री में किस तरीके से हमें एबनॉर्मल लॉस आएगा गेन आएगा क्या क्या चीजें होगी तो ये अगर आपने एक बार प्रिपेयर कर लिया तो बाकी आपको रॉन्ग होने के चांसेस काफी कम है और आपको यहाँ से फुल मार्क्स मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर वन है अ प्रोडक्ट पासस थ्रू थ्री प्रोसेस ए बी एंड सी इनपुट इन द प्रोसेस ए वॉस ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट ए का टू परसेंट बी का फाइव परसेंट और सी का 10% परसेंट ये एक्चुअल आउटपुट इज गिवन टू यू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ यूनिट पेपर में तो प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे लेकिन धीरे धीरे हम आगे के पॉइंट सीखेंगे अब स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स बनाने का सबसे पहला बेस है इस स्टेटमेंट में

एड एडिशनल इनपुट तो यू विल गेट द आंसर है टोटल इनपुट लेस नॉर्मल लॉस एक होता है वेट लॉस दूसरा होता है स्क्रैप लॉस दिया होगा क्वेश्चन में वेट लॉस है कि स्क्रैप लॉस है अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम उसको वेट लॉस कंसिडर करेंगे स्क्रैप का रेट दिया तो वो स्क्रैप लॉस होगा अगर स्क्रैप का रेट नहीं दिया तो वो वेट लॉस होगा फिर हमें आंसर मिलेगा एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट में से अगर हम एक्चुअल आउटपुट को लेस करते हैं तो वी विल गेट दी आंसर एस एप नॉर्मल लॉस और गेन अब ध्यान से ऐसे ही कॉलम आपको भी प्रिपेयर करने हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस ए में कितने यूनिट्स का इंफॉर्मेशन गया है ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट का इंफॉर्मेशन प्रोसेस ए में है नॉर्मल लॉस भी आपके पास अवेलेबल नॉर्मल लॉस परसेंटेज दिया है उन्होंने टू परसेंट फाइव परसेंट टेन परसेंट तो अभी प्रेजेंट करता हूँ ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट है देखो इनपुट हम लिखने वाले हैं इनपुट ए में है ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट बी में और सी में कुछ है पहले ए का ही सॉल्व करना है एडिशनल इनपुट कभी भी याद रखना है एडिशनल इनपुट फर्स्ट में कभी नहीं होगा वो सेकेंड से आएगा तो यहाँ पे आपका टोटल इनपुट कितना बनेगा टोटल इनपुट आपका बनेगा ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट फर्दर नॉर्मल लॉस इस टू परसेंट फाइव परसेंट और टेन परसेंट लेकिन नॉर्मल लॉस का कोई भी स्क्रैप का रेट यहाँ पे दिया नहीं है इसका मतलब ये कौन सा लॉस है ये वेट लॉस है ठीक है स्क्रैप का रेट दिया रहेगा तो वो स्क्रैप लॉस होगा दोनों चीजें तो माइनस ही करनी है यहाँ पे मैं फिलहाल लिख रहा हूँ टू परसेंट तो ट्वेंटी थाउजेंड का आपको टू परसेंट कैलकुलेट करना है यहाँ पे आ जाएगा फोर हंड्रेड लॉस में डैश करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड में से फोर हंड्रेड अगर माइनस करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड मिलेगा नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज दल आपके क्वेश्चन में दिया है देखो एक्चुअल आउटपुट इज प्रोसेस ए का नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कितना है नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पे लिखेंगे इसी के नीचे नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो अगर हम ध्यान से देखें नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में से नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा हंड्रेड पॉजिटिव काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से याद रखना अगर आपको आंसर पॉजिटिव आया तो दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस तो क्या होगा एबनॉर्मल लॉस दिस इज हंड्रेड एंड सिंस इट इज पॉजिटिव तो ये है आपका एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे साइड में लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस अगर यही आंसर आपको नेगेटिव मिला तो दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन उसे हम क्या कहेंगे एबनॉर्मल गेन कहेंगे अब आपको क्या करना है ये जो एक्चुअल आउटपुट है इसी को हमें ऊपर ट्रांसफर करना है सेकेंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एडिशनल अभी फिलहाल वो वाले क्वेश्चंस नहीं लिए हैं एडिशनल वाला भी लेंगे वाले प्रोसेस के लिए कितना परसेंट है 5% है तो चलो फिर यहाँ पे लिखेंगे second वाले प्रोसेस में 5 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आप तो कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव क्रैप लॉस में देंगे डैश नाइनटीन फाइव हंड्रेड माइनस नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा दिस आंसर विल बी योर एक्सपेक्टेड 18,525 तो इट्स 18,525 लेट अस सी द क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको दिया है प्रोसेस बी का 18,800 तो so यहाँ पे अभी प्रेजेंट करेंगे 18,800 दैट विल बी योर एक्चुअल तो यहाँ पे लिखेंगे 18,800 देखो 18,525 में से अगर एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आता है तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो टू सेवेंटी फाइव नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन तो बिफोर सॉल्विंग ऑल दी प्रोसेस वी आर गेटिंग दैट फर्स्ट प्रोसेस में वी आर हैविंग एबनॉर्मल लॉस सेकेंड प्रोसेस में वी आर हैविंग एबनॉर्मल गेन थर्ड प्रोसेस भी सिमिलरली करेंगे अब ये जो एक्चुअल आउटपुट इधर का है ये हमको यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एडिशनल इनपुट इज डैश तो टोटल इनपुट विल बी आल्सो एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड कितना परसेंट का नॉर्मल लॉस था देख लेते एक बार थर्ड प्रोसेस में है टेन परसेंट का नॉर्मल लॉस तो चलो थर्ड प्रोसेस में लिखेंगे यहाँ पे टेन एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड का टेन परसेंट वन डबल एट जीरो माइनस करना है फिर से एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस वन डबल एट जीरो आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एक्चुअल आउटपुट एक बार देख लेते हैं देखो सिक्सटीन थाउजेंड का एक्चुअल आउटपुट दिया है थर्ड में यहाँ पे अभी प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड अगर सिक्सटीन नाइन ट्वेंटी में से सिक्सटीन थाउजेंड अगर माइनस कर दिया तो यहाँ पे बचेगा नाइन ट्वेंटी बट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज एब नॉर्मल लॉस तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन अगर फर्स्ट प्रोसेस सही हुआ तो सेकेंड प्रोसेस भी आपका सही होगा फर्स्ट प्रोसेस अगर गलत हुआ तो सेकेंड प्रोसेस में भी आपके सी मिस्टेक्स होते रहेंगे सिमिलरली और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए दिस इज द नाउ प्रोडक्ट थ्री प्रोसेस तीन प्रोसेस से एक प्रोडक्ट पास हो रहा है एक्स वाई एंड जेड द इनपुट इन प्रोसेस एक्स फोर थाउजेंड यूनिट्स यहाँ पे एक्स है प्रोसेस uh, का नॉर्मल लॉस है एक्स का टू परसेंट वाई का फोर परसेंट और जेड का पॉइंट में टू पॉइंट फाइव परसेंट सिमिलरली एक्चुअल आउटपुट भी आपको दिया है थ्री एट फाइव जीरो थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थ्री फाइव टू अस पोस्ट नाउ फॉर्मेटिंग वैसा ही होगा सेम तो इनपुट के कॉलम में पहले लिखते हैं इनपुट हमारा कितना चलो इनपुट हमारा है एक्स के कॉलम में फोर थाउजेंड यूनिट्स का एडिशनल फर्स्ट में नहीं होता फोर थाउजेंड ही आएगा नॉर्मल लॉस ट्रैप के बारे में कुछ बोला नहीं है फोर थाउजेंड का टू परसेंट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी and that value will be 80 scrap loss dash 4000 थाउजेंड में से अगर एट्टी को minus करेंगे तो expected output आएगा and the expected output आउटपुट थ्री नाइन टू जीरो एक्चुअल आउटपुट एक बार देख लेते थ्री एट फाइव जीरो चलो फिर लिख लेंगे यहाँ पे तो so, actual output है हमारा थ्री थ्री नाइन टू जीरो में से थ्री एट फाइव जीरो अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आता है सेवेंटी तो अभी हमने किया था पॉजिटिव आंसर आया तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस नेगेटिव आंसर आएगा तो एबनॉर्मल गेन आगे बढ़ते हैं थ्री एट फाइव जीरो को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा थ्री एट फाइव जीरो एडिशनल डैश टोटल ऑल्सो थ्री एट फाइव जीरो फोर परसेंट का यहाँ पे लॉस है थ्री एट फाइव ज़ीरो का फोर परसेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स वन फिफ्टी फोर थ्री एट फाइव ज़ीरो में से वन फिफ्टी को आपको माइनस करना है तो यू विल गेट द आंसर एज एक्सपेक्टेड आउटपुट थ्री सिक्स नाइन सिक्स एक्चुअल आउटपुट देख लेते एक बार थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दिया है यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थ्री सिक्स नाइन सिक्स में अगर थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको नाइनटी सिक्स मिलेगा पॉजिटिव अगेन इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या नाम लेते हैं हम एबनॉर्मल लॉस ये थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड को ऊपर ट्रांसफर करना है थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एडिशनल डैश थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यहाँ पे नॉर्मल लॉस का परसेंटेज पॉइंट में है टू पॉइंट फाइव परसेंट थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का टू पॉइंट फाइव परसेंट आपको कैलकुलेट करना है दैट विल बी नाइन्टी यहाँ पे डैश थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में से नाइन्टी को माइनस करना है विल विल गेट आंसर ओवर दैट बी

इसी फॉर्मेट के बेसिस पे हम प्रोसेस अकाउंट्स बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट्स आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा मैं जिस तरीके से स्टेप्स बताऊंगा उस तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर स्टेप्स सही हुए तो प्रोसेस अकाउंट बहुत सिंपल है अगर स्टेप्स गलत हुए तो प्रोसेस अकाउंट्स में आपके सिली मिस्टेक्स होने की वजह से मार्क्स चले जाएंगे तो वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द इफ योर कंसेप्ट आर क्लियर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोसेस कॉस्टिंग यू कैन सॉल्व इजिली तो दैट वॉज फ्रॉम दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे प्रोसेस अकाउंट्स के साथ सॉल्व करेंगे दैट विल बी द पार्ट वी विल बी लर्निंग थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर